हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों लेकर आए दोस्तों टॉप 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के। दोस्तों हरियाणा जीके के दोस्तों हमने 11 पार्ट जो है 100 करके अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चन हमने उनके अंदर अपडेट किए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख लें, और ये वीडियो दोस्तों पूरी जरूर देखें क्योंकि काफ़ी करंट अफेयर के जो हरियाणा से रिलेटेड दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने एक वन बाय वन छांट कर जो है अलग से बनाई है। तो दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, जिससे आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, हरियाणा सरकार ने किससे पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को वित्तीय सहायता योजना की मंजूरी दी है। तो इसका दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी, तेजाब पीड़ितों को जो है हरियाणा सरकार ने सहायता देने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 5 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा सी, सुखना लेक के अंदर दोस्तों 18वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है आयोजित की गई थी। हरियाणा में सर्जिकल स्ट्राइक के सूरमाओं की वीरता को सलाम करने के लिए 29 सितंबर 2018 को किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजन किया गया। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बी, झज्जर के अंदर दोस्तों ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा ए, पंचकुला के अंदर दोस्तों ये लोक कला उत्सव जो है का आयोजन किया गया था। केथल स्थित अंतर्राष्ट्रीय फाल्गु मेले 2018 का आयोजन कब से शुरू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसको ले सकते हो, फरल फाल्गु केथल मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, 25 सितंबर को जो है इस मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, 25 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किस प्रसिद्ध मंदिर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड के अधीन किया गया। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के बोर्ड के अधीन पहले एक शीतला माता का मंदिर था और एक और मंदिर अभी कर दिया गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों सी, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है अधीन कर दिया गया अभी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा की सड़कों को कब तक गड्ढा मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 2019 तक जो है सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में किन के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया, किन के लिए दोस्तों। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए दोस्तों, दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना शुरू कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। चौधरी देवीलाल जयंती कब बनाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा जो रहेगा डी, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जो है बनाई गई जयंती। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 कौन बनी। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी है, सरोज मान जो है 2018 के वर्ल्ड वाइड बने हैं इंडिया मिसेज के दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस कब मनाया गया। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन रहेगा सी, 25 सितंबर दोस्तों। 25 सितंबर एक महत्वपूर्ण डेट रही है दोस्तों। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कब प्रदान किए गए। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा 22 सितंबर 2018 के अंदर डी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस पेरा एथलीट खिलाड़ी को 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अर्जुन अवार्ड मिला है। काफी जो है इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। राइट ऑप्शन सी, राजकुमार ने दोस्तों, ठीक है, राजकुमार मेरे ही नाम राशि। पेरा एथलीट खिलाड़ी को 2 साल पुरानी लड़ाई के बाद अर्जुन अवार्ड मिला है। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो 5 खिलाड़ियों से को दोस्तों अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक शुरुआत कब से हुई। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, 23 सितंबर को आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई, 23 सितंबर को। सितंबर महीने की सारी डेट जरूर याद कर लें दोस्तों, एक क्वेश्चन पक्का लाजमी मिलेगा। हरियाणा वीर शहीदी दिवस दोस्तों सेम रहेगा, 23 इसका हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा, डी सॉरी 23 सितंबर को ही, क्योंकि इसका भी 23 सितंबर दोस्तों और इसका भी 23 सितंबर, दोनों का 23 सितंबर। हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को आवारा पशु मुक्त राज्य बनाने की जो लक्ष्य रखा है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा रहेगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 2019 तक जो है आवारा पशुओं से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान भारत योजना पायलट प्रोजेक्ट आधार किस राज्य में शुरू किया गया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों है हरियाणा, हरियाणा के अंदर आयुष्मान भारत योजना पायलट प्रोजेक्ट आधार की शुरुआत जो नींव जो है अभी रखी गई है। हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यकर
श्रमिकों के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा ए हरियाणा असंगठित जो है संगठन बोर्ड दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी एग्जामों के अंदर देखे जाते हैं इसी क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सीमा के साथ लगती यमुना नदी की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण के लिए अपनी अनामपति प्रमाण पत्र दिया है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ले सकते हो। डी रहेगा दोस्तों, टोंस नदी है एक, उस पर किसाऊ बांध बनाने का जो है अनापति प्रमाण दिया है, प्रमाण दिया है। हरियाणा सरकार ने हर पथ नामक मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया? हर पथ मोबाइल ऐप, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा जो है 15 सितंबर 2017, ठीक है। ये दोस्तों हरियाणा सरकार ने हर पथ मोबाइल ये 18 है दोस्तों, 15 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किसके द्वारा लिखित जड़ते पत्ते नामक किताब का विमोचन किया? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा डॉक्टर जो है संजीव कुमारी, डॉक्टर संजीव कुमार जो है, संजीव कुमारी जो है सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा लिखित जड़ते पत्ते का किताब मोचन किया है। हरियाणा में कितने साल बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन इसका हमारा रहेगा ऑप्शन जो है बी दोस्तों, 10 साल बाद हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड का जो है अभी गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद ने पंजाब व हरियाणा के गठन को मंजूरी कब दी है? तो इसका दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 10 सितंबर 1966 रहेगा। डी, संसद ने पंजाब एवं हरियाणा गठन को मंजूरी कब दी थी? तो ये दोस्तों हमारी इस टाइम को दी थी। कौन सा राज्य हरियाणा से 60,000 मुर्रा नस्ल भैंस की खरीद कर रहा है? कौन सा राज्य दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा। आंध्र प्रदेश ने 60,000 भैंसे मुर्रा नस्ल की भैंसे जो है वो लेने का जो है प्रस्ताव रखा है। झज्जर जिले में स्थित सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कह दिया गया? तो झज्जर के अंदर दोस्तों जो सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन है इसका जो अभी हाल ही में एक नाम चेंज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन इसका नाम दोस्तों अभी रखा गया है। देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर जो है दो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित की गई? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डायरेक्ट ए ही रहेगा, हरियाणा के अंदर दो रियल एस्टेट रेगुलेटरी की गठन की गई। हरियाणा में इस समय कितनी यूनिवर्सिटी है? तो ए भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 33 जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर बसाए जाने वाला नया हरियाणा किस नाम से जाना जाएगा? काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसको ले सकते हो। सी, पंचग्राम के नाम से उसको जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस डिजाइन का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा दिया है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी, कुरुक्षेत्र NID, कुरुक्षेत्र NID को जो है राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा दिया है। तृतीय वाहिनी हरियाणा सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, हिसार के अंदर तृतीय वाहिनी हरियाणा सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की ओर से किस राज्य को ई चालानिंग में देश में अव्वल स्थान माना है? तो पता ही दोस्तों हरियाणा ही है ऐसे कामों में, ठीक है। ई चालानिंग को देश में अव्वल माना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की ओर से। हरियाणा में जल्द ही कितने क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लैब खोली जाएगी? तो ये दोस्तों हमारी चार खोली जाएगी, कहाँ कहाँ, हिसार दोस्तों, रोहतक दोस्तों, और पंचकुला दोस्तों, और गुरुग्राम, चार जगह जो है फोरेंसिक साइंस लैब दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ले सकते हो। दोबारा बताऊंगा, रोहतक, हिसार, पंचकुला और दोस्तों हमारा गुरुग्राम। अगला है दोस्तों, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई कब की गई? दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका रहेगा बी, जो है हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी दोस्तों, 12 अगस्त 2018 को। गुरुग्राम के बाद हरियाणा के किस जिले में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा फरीदाबाद रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हरियाणा सरकार ने एमआईआई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा है? तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है हमारा श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया है? तो इसका दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा नाहर सिंह, क्या रहेगा दोस्तों, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में कितने साल बाद अनुसूचित जाति आयोग गठित किया गया? तो ये दोस्तों 4 साल बाद अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है दोबारा से किया गया है। भारतीय
हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल हॉकी टीम से जो है संन्यास ले लिया है, तो सरदार सिंह दोस्तों, ठीक है, सरदार सिंह ने जो है संन्यास ले लिया है। सरदार सिंह एक दोस्तों हमारे हरियाणा से, सिरसा से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है। निमोनिया का टीका लगाने के केंद्र की स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका दोस्तों हमारा पहला जो राज्य है वो हरियाणा ही है दोस्तों। राइट ऑप्शन सी रहेगा, हरियाणा निमोनिया के टीके। लड़ाकू विमान राइफल का पहला स्वागडन जो है स्वागडन देश के लिए एयरफोर्स को मिलेगा, तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा ए, अंबाला एयरफोर्स को ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तेल निगम हरियाणा की किस रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इथेनॉल संयंत्र लगाएगा, तो इसका दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा डी, पानीपत रिफाइनरी के अंदर दोस्तों ये संयंत्र जो है इथेनॉल लगाया जाएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी, तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, सी विकास राणा जो है ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले क्लेम की अदायगी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ऐसे काम दोस्तों पता ही है हमारे हरियाणा वाले अव्वल रहते हैं। पंजाबी साहित्य अकादमी हरियाणा का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो पंजाबी साहित्य का दोस्तों राइट ऑप्शन इसका हमारा रहेगा सी, गुरुविंदर सिंह दमीजा को पंजाबी साहित्य अकादमी के जो है हरियाणा के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला पैनिक बटन लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया है, तो दोस्तों राइट ऑप्शन बी रहेगा, पंचकूला जो है वो पैनिक बटन लगाने वाला पहला जिला बन गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8 सितंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये दोस्तों 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में। और हरियाणा में एशियाड व ओलंपिक खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के गांव को विकास के लिए किस योजना से जोड़ा जाएगा, तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है हमारा बी रहेगा, दीन बंधु छोटू ग्राम योजना के तहत जो है इसका ग्राम उदय योजना के तहत इसको जोड़ा जाएगा। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की डबल ट्रेप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा सी बी रहेगा, अंकुर मित्तल बने हैं पहले ट्रेन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले। हरियाणा में खेर नामक पेड़ कहां पर मिलते हैं, खेर नामक पेड़ दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, कलेसर के अंदर खेर नामक पेड़ मिलते हैं। देश में पहली बार कैंसर के मरीजों के लिए नई तकनीक को शुरू करने वाला पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन सा बना, कैंसर के मरीजों के लिए दोस्तों एक नई तकनीक लागू की गई, तो कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा सी रहेगा, पीजीआई रोहतक जो है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पलवल स्थित हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर क्या किया जा रहा है, तो इसका दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा इसका जो है अभी नाम बदलकर किया जा रहा है। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद का नाम बदलकर अब क्या किया जा रहा है, YMCA का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद के अंदर एक लिंगिया और एक YMCA, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम को अंदर देखने को मिलते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका डी रहेगा, जेसी बोस विज्ञान विश्वविद्यालय इसका अब नाम बदलकर किया जा रहा है। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके पास खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रहेगा। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, अशोक खेतरपाल को हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी किस नई सरल सुबोध मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने जा रही है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा जो है बी, हरिवाक दोस्तों, हरिवाक हरियाणा संस्कृत अकादमी, संस्कृति से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जितने भी बनते हैं जरूर कवर करें। हरियाणा सहित 5 राज्यों में किसी नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड अम्बेसडर दोस्तों, 5 राज्यों का, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, संजय दत्त को बनाया गया दोस्तों, ठीक है, संजय दत्त राइट ऑप्शन सी। हरियाणा सरकार के प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा हरियाणा की किस ITI को देश में 7वां स्थान दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, संडोरा ITI को जो है वो 7वां स्थान दोस्तों मिला है, 7वें स्थान पर संडोरा ITI रही है। आंध्र प्रदेश में आयोजित 43वीं सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल प्रतियोगिता में हरियाणा महिला टीम किस स्थान पर रही, तो ओवरऑल प्रतियोगिता के अंदर दोस्तों हमारी जो हरियाणा की टीम है वो दूसरे स्थान पर रही, राइट ऑप्शन बी, सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों दूसरे स्थान पर। लखवार बांध का पानी हरियाणा को किस नदी के तहत मिलेगा, लखवार बांध से दोस्तों
तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, यमुना नदी से दोस्तों ये पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, लखवार बहुउद्देश्य राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस जिले किस राज्य में बांध बनाया जाएगा, तो इसके तहत दोस्तों बहुउद्देश्य राष्ट्रीय परियोजना के तहत जो है उत्तराखंड के अंदर दोस्तों ये बांध बनाया जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू होगा, तो ये दोस्तों 7 सितंबर से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में अब नगर निगम के मेयर का चुनाव किनके द्वारा चुनाव जो है किनके द्वारा किया जाएगा, तो ये जनता द्वारा किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स में हरियाणा खिलाड़ियों को कुल कितने पदक जीते हैं, तो 18 पदक जीते हैं दोस्तों एशियन गेम्स में। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको ले सकते हो। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 32 पुरस्कार शिक्षकों को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिए जाएंगे, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा हरियाणा राज्य फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा प्रोत्साहित करने के लिए। हिसार में डियर पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1970 के अंदर दोस्तों डियर पार्क की स्थापना की गई थी। हरियाणा में 11 रुद्री, चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो है शिव पार्वती मंदिर और कैथल रुद्री मंदिर स्थित है। हरियाणा के जिले किस जिले में नशा भगाओ बेटी बचाओ मुहिम शुरू की गई, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसको आप ले सकते हो, तो ये दोस्तों हमारी सिरसा से शुरू की गई है जो नशा भगाओ बेटी बचाओ की मुहिम। नागरिक सेवा वितरण में बदलाव लाने के लिए हरियाणा को किस श्रेणी का सम्मान मिला है, तो मोस्ट जो है इन्वोल्टिव सिटीजन जो है अगेंजमेंट श्रेणी का जो है हरियाणा के अंदर ये सम्मान मिला है इस श्रेणी का। हरियाणा के कितने मुख्य डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है, तो 20 बैंकों के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी कौन बनी है, तो करिश्मा बनी है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है करंट अफेयर का इसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, किस राज्य के सरपंच के चुनाव में ईवीएम में देश में पहली बार नोटों का विकल्प इस्तेमाल किया गया, तो हरियाणा दोस्तों इसका आ ही जाएगा, आपको पता ही है। हरियाणा में सितंबर के किन दो जिलों में पासपोर्ट कार्यालय शुरू किए गए हैं, तो पासपोर्ट कार्यालय दोस्तों हमारे सोनीपत और रोहतक के अंदर शुरू किए गए हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने कब से सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली जो है लागू किया है, तो इसका राइट ऑप्शन 15 सितंबर 2018 रहेगा हमारा, 15 सितंबर इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, ये जो 1 सितंबर लिखा है ये 1 सितंबर दोस्तों, मैं 15 सितंबर गलत पढ़ रहा हूँ, 1 सितंबर 2018 को प्रणाली का प्रबंध किया है। हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कितने परसेंट है, तो 8.5% जो है वो हरियाणा के अंदर महिला पुलिस कर्मियों की है, जो आने वाले टाइम में बढ़ के 13-14% भी हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति हरियाणा में कहाँ पर तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रही है, तो दोस्तों सोना, जो आने वाले बहुत सारे लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिलेंगे, सोना गुरुग्राम के अंदर। भारत सरकार द्वारा हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा, तो 3 दोस्तों जो स्तर पर जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा। हरियाणा में विलुप्त हो जा रही वनस्पति जीवों के संरक्षण के लिए 300 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो बायोडायवर्सिटी के लिए दोस्तों हिसार के अंदर ये जो है पार्क स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में कहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी, पंचकुला के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। शिवांगी पाठक पर रोहतास खिलेरी ने यूरोप की किस सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर तिरंगा फहराया है, तो यूरोप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने जो है तिरंगा फहराया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध जैन मुनि का निधन हो गया है, तो दोस्तों जैन मुनि तरुण का जो है वो निधन हो गया है, जैन मुनि तरुण सागर का निधन हो गया है। नई कार के साथ 3 साल और बाइक के साथ 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना कब से अनिवार्य कर दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ए, 1 सितंबर से जो है अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा पर्यटन दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 सितंबर से ही। हरियाणा सरकार ने कब तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 2020 तक जो है ये रेलवे क्रॉसिंग वाला सिस्टम जो है खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा का पहला और उत्तर भारत का दूसरा गोबर गैस प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है, तो ये दोस्तों हमारा जो है नया गांव के अंदर लगाया जा रहा है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन ले सकते हो नया गांव। भीम अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरमेल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है,
तो ये जो हमारा जींद है दोस्तों, इनसे इनका संबंध है, भीमोवाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरमेल का संबंध दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जिला परिषद की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये दोस्तों पंचकूला के अंदर जो है अंतर जिले की परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। हरियाणा के किस बॉक्सर ने एशियन गेम्स 2018 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन सी है हमारा, अमित पंघाल ने बॉक्सर के एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक दिलाया है। पंचकूला में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो दोस्तों किन के अध्यक्षता में, तो ये हमारे ओम प्रकाश धनखड़ के अध्यक्षता में जो शुभारंभ हुआ था। 26 से 29 अक्टूबर तक रत्नावली महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, राइट ऑप्शन बी रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। 26 से 29 अक्टूबर तक रत्नावली महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसकी सभी पालिकाओं का ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा, तो ये तो दोस्तों पता ही है हमारे हरियाणा वाले, जो ड्रोन सर्वे का सर्वे करवाया जाएगा, ड्रोन से सर्वे होगी। वामन पुराण और ब्रह्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कितने कुपों का वर्णन किया जाएगा, तो दोस्तों चार कुपों का वर्णन जो है इसके अंदर किया जाएगा। वो चार कुप दोस्तों हमारे होंगे, नंबर एक चंद्रकूप, नंबर दो विष्णुकूप, और नंबर तीन रुद्रकूप, और नंबर चार देवीकूप। और देवीकूप एक मंदिर भी है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर, बहुत प्रसिद्ध है देवीकूप मंदिर। हरियाणा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है, तो हिसार के अंदर दोस्तों बनाया जा रहा है, ये राइट ऑप्शन डी रहेगा, एथलेटिक ट्रैक किस जिले में, हिसार में दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में स्थित कर्णपाक का जीर्णोद्धार किया गया है, तो दोस्तों ये हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, करनाल के अंदर दोस्तों जो है कर्णपाक जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हरियाणा में शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को पुलिस पब्लिक स्कूलों में किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है वो मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा के सबसे बड़े निशान साहिब की स्थापना किस जिले के गुरुद्वारे की गई है, तो दोस्तों ये हिसार के गुरुद्वारे के अंदर जो है की गई है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का बनता है। हरियाणा के किस स्टेडियम में भारतीय ब्लाइंड टीम ने श्रीलंका ब्लाइंड टीम को T20 मैचों की सीरीज से हराया है, तो इसका दोस्तों स्टेडियम पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, राजा नाहर सिंह स्टेडियम के अंदर दोस्तों ये मैचों का सीरीज हराया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हरियाणा के किस जिले में स्थित लाट की मस्जिद का सौंदर्यीकरण करवाएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरलाइन जरूर करें इसको, इशार रहेगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश भर की 52 शक्तिपीठों में हरियाणा में से हरियाणा की एकमात्र शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है, तो भद्रकाली भी दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के अंदर भद्रकाली जो मंदिर है वो स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर देवीकूप भी है, बिरला मंदिर भी दोस्तों वहाँ है। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड दोस्तों मैंने हर बार आपको बताया, कुरुक्षेत्र से जितने क्वेश्चन निकलते हैं हर्षवर्धन और उसकी राजधानी थानेसर से अच्छे से कवर कर लें, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाड़ा, पंचकूला, क्वेश्चन 6 से 7 यहीं से मिलते हैं। किस हरियाणवी कोच को पावर लिफ्टिंग खेल में अहम योगदान देने के लिए दुबई में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से नवाजा गया, तो इसका दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा, पूर्ण सिंह का ध्यान को जो है इससे नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के खिलाड़ी आकाश मलिक ने यूथ ओलंपिक गेम 2018 में तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है, तो तीरंदाजी में दोस्तों इसने राइट ऑप्शन रहेगा बी, रजत पदक जीता है, किसने दोस्तों, आकाश मलिक ने, किसमें, यूथ ओलंपिक गेम्स में दोस्तों 2018 में। दिल्ली में आजाद हिंद फौज की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के किस हरियाणवी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, तो दोस्तों हमारी जो ललती राम है उनको जो है हरियाणवी को विशेष रूप से 75वीं वर्षगांठ पर दोस्तों आजाद हिंद की फौज की स्पेशली इन्वाइट किया गया है। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस, तो पुलिस वालों के लिए तो पता ही है दोस्तों 21 अक्टूबर रहेगा पुलिस दिवस, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अनिता कुंडू ने दक्षिण अफ्रीका को किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, तो अनिता कुंडू ने दोस्तों हमारे राइट ऑप्शन रहेगा सी, किलिमंजारो के अंदर सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जो है तिरंगा फहराया है। देश का सबसे बड़ा 30 फीट ऊंचा अशोक चक्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन सी रहेगा, यमुनानगर के अंदर देश का सबसे ऊंचा 30 फुट ऊंचा अशोक चक्र जो है स्थापित किया जाएगा। हरियाणवी फिल्म बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों रजत पदक इन्होंने जीता है, बजरंग सिंह पूनिया ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, हरियाणा की किस बेटी ने मिस डेफ एशिया 2018 का खिताब जीता है, तो निष्ठा डुडेजा ने दोस्तों ये खिताब जीता है, बेटी ने मिस डेफ एशिया 2018 दोस्तों। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है,
तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी, श्रीनिवास गोयल जो है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयर जो है बोर्ड के जो है चेयरमैन है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में, तो ये तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, रोहतक के अंदर स्थित है बाबा मस्तनाथ। राजकुमार सैनी ने हरियाणा में किस नाम से अपनी पार्टी बनाई है, तो राजकुमार सैनी ने लोकतंत्र सुरक्षा, दोस्तों क्या है, लोकतंत्र सुरक्षा मंच के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। हरियाणा डेयरी विकास परिसंघ के चेयरमैन कौन है, तो डेयरी विकास के जो हमारे परिसंघ के चेयरमैन दोस्तों हमारे हैं, राइट ऑप्शन इसका रहेगा जीएल शर्मा, राइट ऑप्शन बी। हरियाणा में 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया जाएगा, तो ये दोस्तों हमारे हिसार में जो है 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, हरियाणा के सीएम हमारे मनोहर लाल ने किस विभाग द्वारा तैयार की गई विकास गीत की सीडी को गुरुग्राम से लॉन्च किया है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए रहेगा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंदर जो है विकास गीत को की सीडी जो है गुरुग्राम के अंदर लॉन्च किया गया। वर्तमान हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग है, दोस्तों 30 हो चुके हैं, लेकिन ऑप्शन 29 मिले तो वो भी हमारा राइट रहेगा। हरियाणा में एक छोटा सा नेशनल हाईवे और है, वो शायद एड ना किया हो एसएससी वालों ने। हरियाणा सिविल एविएशन विभाग के अंतर्गत हरियाणा में कितने फ्लाइंग क्लब मौजूद है, तो हरियाणा के अंदर जो है 3 फ्लाइंग क्लब जो है वो मौजूद है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों नेशनल हाईवे जरूर नोट कर ले, 29 आए तो भी सही है, क्योंकि एसएससी का आंसर 29 है, तो पता नहीं बाद में क्या होगा इसका, पता नहीं वो चेंज करें ना करें वो अलग बात है। विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन हरियाणा के किस जिले में किया गया, तो ये दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, पंचकुला के अंदर ये किया गया। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में शुरू किया गया, तो सिंपल क्वेश्चन है करनाल के अंदर शुरू किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग कितने गांव में गौरव पट लगाए जा रहे हैं, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा ये रहेगा, 1500 गौरव पट जो है वो लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समय विघटित हो सकने वाली बायो प्लास्टिक बनाने की तकनीक की खोज की है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रहेगा ए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्लास्टिक बनाने की तकनीक जो है खोज की गई है। हरियाणा में कहां पर 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक स्थापित किया जा रहा है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, अंबाड़ा छावनी के अंदर दोस्तों 1857 में शहीदों के नमन के लिए जो है शहीदी स्मारक जो है स्थापित किया जा रहा है। एक रेजांगला स्मारक दोस्तों रेवाड़ी में बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। हरियाणा में पिंजौर विरासत उत्सव 2018 का आयोजन किया गया, कब किया गया दोस्तों, ये 19-21 अक्टूबर को जो है किया गया दोस्तों, 19-21 अक्टूबर 2018 को किया गया। हरियाणा के किस जिले में करीब 100 एकड़ में फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, करनाल के अंदर 100 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। हरियाणा हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बांध के लिए समझौता करने की सहमति प्रदान की है, तो दोस्तों ये किसाऊ और रेणुका है, केसाऊ बांध और रेणुका बांध है दोस्तों, हाल ही में इस बांध पर जो है समझौता करने की सहमति प्रदान की है। हरियाणा सरकार के कितने नए खंडों को सक्षम खंड घोषित किया है, तो इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, 3 खंडों को सक्षम खंड घोषित किया है। हरियाणा उर्दू अकादमी के डायरेक्टर कौन है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र कुमार जो है हरियाणा उर्दू अकादमी के डायरेक्टर हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियाई खेल 2018 में जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा अमित बल्यान बी ने जो है इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियाई खेल में जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरुग्राम के मानेसर में 16 अक्टूबर 2018 को NSG का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 34वां दोस्तों ये NSG का जो है स्थापना दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। हरियाणा में किस नाम से आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया जाएगा, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी, कवच नाम से जो है हरियाणा के अंदर आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया जाएगा। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो, राइट ऑप्शन सी, हरविंदर सिंह ने जो है इंडोनेशिया की जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इंटरनेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा में कहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की नई बटालियन की मंजूरी दी है, तो जहां जो एरिया ज़्यादा है दोस्तों हमारा मेवात नौ का, वहां जो एक नई रैपिड एक्शन फोर्स की नई बटालियन का जो है वो किया है।
इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2018 में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने क्लब थ्रो में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा जो एकता ब्याण, राइट ऑप्शन सी। इन्होंने जो है इंडोनेशिया गेम्स में एवं क्लब थ्रो में देश को गोल्ड मेडल दिलवाया है। हरियाणा प्रदेश का कौन सा गांव 1000 लड़कों के मुकाबले 1391 वाव क्या स्कोर है लड़कियों के लिंग अनुपात के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है? ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर कवर कर दें। और हमारा बी रहेगा कोडल गांव। दोस्तों ये है मतलब एक टाइप से बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। किस हरियाणवी निशानेबाज ने यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में वुमेन कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों मनु बाकर ने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, निशानेबाजी की जो है खिलाड़ी। बाखड़ा बांध का जन्मदाता दोस्तों चौधरी छोटू राम हमारे हैं ही, इसमें कुछ ट्रिक बनाने की जरूरत है ही नहीं। हरियाणा में कहां पर 600 एकड़ में बड़ी मंडी विकसित की गई? तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा ए सोनीपत, गनौर सोनीपत के अंदर जो है 600 एकड़ में बड़ी मंडी स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट भी वहां स्थित है दोस्तों। हरियाणा में कहां पर नीदरलैंड की तर्ज पर फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है हमारा गुरुग्राम रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 1 से 3 नवंबर तक 7वें लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर किया जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हरियाणा के किस विमान को इंडोनेशिया में आयोजित सम्मेलन में ग्रास रूट इन्वेस्टमेंट श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया जाएगा? तो ईश्वर सिंह के तहत दोस्तों, ईश्वर सिंह कुंडू के तहत जो है आयोजित सम्मेलन में पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा नस्ल की गाय ने कितने किलोग्राम दूध देकर इस तरह की देसी नस्ल की गाय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी, 20.6 किलोग्राम। ठीक है, तो एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को कहां पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास शुरू करेंगे? तो राइट ऑप्शन दोस्तों गन्नौर सी सोनीपत। यहां पे काफ़ी मेहरबान हो रहे हैं सभी के सभी, गन्नौर का काफ़ी डिस्कशन में आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांपला का नाम बदलकर कौन सा नाम बदलने की घोषणा की है? तो छोटू राम दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, छोटू राम नगर। हरियाणा उर्दू अकादमी साहित्य के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन सी डॉक्टर चंद्रा त्रिखा जो है उपाध्यक्ष है। हरियाणा के साहित्यिक अकादमी के निदेशक कौन है? हरियाणा साहित्यिक अकादमी के दोस्तों निदेशक राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डॉक्टर कुमुद बंसल रहेगा। रोहतक में 64 फीट ऊंचा चौधरी छोटू राम की प्रतिमा को किसने बनाया है? तो राम वी सुतार ने जो है 64 फीट ऊंचा छोटू राम की प्रतिमा को बनाया है। हरियाणा के किस जिले में वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो राइट ऑप्शन बी रहेगा गुरुग्राम के अंदर दोस्तों जो है ये आयोजन किया गया, यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट कॉन्फ्रेंस। हरेरा अपीलेट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस जो है दर्शन जो है दोस्तों सिंह, जस्टिस दर्शन सिंह इसके चेयरमैन हैं। हरियाणा में कहां पर IoT सेंटर ऑफ एक्सलेंस की शुरुआत की गई? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा गुरुग्राम के अंदर ये जो है शुरू की गई। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 18.39 करोड़ रुपए जो है जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार कब से हरियाणा के सामाजिक पेंशन भोगियों की पेंशन 2000 रुपये कर रही है? तो 1 नवंबर से दोस्तों ये हमारे हो चुके हैं 2000 रुपये। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 200+ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है इनमें से 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करंट अफेयर से हरियाणा के मिले। एक वीडियो दोस्तों जल्दी ही मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, उसमें 100 क्वेश्चन अपडेट करूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और दोस्तों शेयर करें, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, जिससे आपको नित नए नए टॉपिक पे वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।